हाथरस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी सरकार ने हाथरस गैंगरेप और मर्डर मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी है, जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया। अब हाथरस में हुई दरिंदगी की जांच सीबीआई करेगी। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए। लेकिन क्या सीबीआई इस मामले को अंजाम तक पहुंचा पाएगी, या फिर आरुषि मर्डर केस और बाबरी विध्वंस केस की तरह हाथरस का मामला भी सीबीआई के लिए सिर्फ टाइम काटने का जरिया बन जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सीबीआई को हाथरस केस की जांच करने का अधिकार है, क्योंकि पीड़िता दलित थी और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत दर्ज हुए किसी मामले के लिए लोकल पुलिस की ओर से ही स्पेशल ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। क्रिमिनल मामलों में देश के प्रतिष्ठित वकील फिरदौस मिर्जा ने दशोदर से खास बातचीत में केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की कानूनी पेचीदगियों पर सवाल उठाया था। अब बची बात सीबीआई को ट्रांसफर करने की, तो पहला सवाल तो यह है, क्या कानूनन सीबीआई को यह ट्रांसफर हो सकती है क्या? क्योंकि इस देश में सीबीआई नाम का कोई कानून नहीं है। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नाम का एक एक्ट है, 6 सेक्शन से उसमें कुल, जो ये कहता है कि उसके शेड्यूल में जो दिए हुए ऑफेंसेस है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उन ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट ट्रांसफर कर सकता है जी। लेकिन हमारा केस सिर्फ आईपीसी का नहीं है, आप समझिए इस बात को फर्क दूसरे केसेस में और इस केस में। सिर्फ 376D का केस नहीं है, ये एट्रोसिटीज एक्ट के सेक्शन 3 का भी केस है जी। जी, तो जब एट्रोसिटीज एक्ट, ये एक स्पेशल एक्ट है, जब स्पेशल एक्ट इन प्ले में आता है तो फिर हमको उस एंगल से देखना होगा इन्वेस्टिगेट कौन कर सकता है। एट्रोसिटीज एक्ट कहता है कि सारी केसेस एक स्पेशल कोर्ट में चलेगी जो एट्रोसिटीज का स्पेशल कोर्ट होगा जी। सीबीआई की केसेस सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चलती है। एट्रोसिटीज एक्ट के सारी केसेस चलाने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा जो गैजेट में उसका नाम पब्लिश करने के बाद उसके क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। सीबीआई के कोर्ट में उनका अलग प्रोसिक्यूटर होता है। रूल्स 7 एट्रोसिटीज रूल्स 1995 ये कहता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी दिया हुआ है उस एक्ट में, उस रूल्स में जी। तो फिर आप सीबीआई को कैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? ये तो स्पेशली डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो आज अगर आप वो सीबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं, वो चार्जशीट ले आता है और फिर अभियुक्त एक ऑब्जेक्शन फाइल करता है कि जिसने इन्वेस्टिगेट किया उसको अधिकार ही नहीं था इन्वेस्टिगेट करने का, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन को इलीगल करार दे दिया जाएगा। तो क्या ये एक तरीके से जो है इस केस को और कमजोर करने का ही एक तरीका है सीबीआई के उसमें तरफ इस केस को धकेल देने का? देखिए, ऐसा एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं ये कहूंगा कि मेरी नजर में ये केस सीबीआई को नहीं भेजा जा सकता जी। स्टेट पुलिस के ही SSP यानी आपके यहाँ SSP होता है यूपी में, तो डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का, उस रैंक के ऑफिसर को ये इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। प्रीफरेबली वो ऑफिसर भी SC होना चाहिए, अगर अवेलेबल है तो उसको दो, ही विल डू दिस। अब इसमें देखिए, जब एट्रोसिटीज एक्ट आता है तो एट्रोसिटीज एक्ट ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, वो ये कहता है कि स्टेट की कुछ जिम्मेदारियां, स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट की, सेक्शन 15A का सबसेक्शन 11 जो इमीडिएटली एट्रोसिटी के फैमिली का प्रोटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की बात करता है जी। और ये सेक्शन भी इमीडिएट प्रोविजन ऑफ FIR की कॉपी की भी बात करता है। तो सीबीआई को ट्रांसफर करना यानी इस स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना, ऐसा नहीं, या ये चीज वो साबित नहीं करती है क्या कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस बात को मान रही है कि उसके ऑफिसर्स ने प्रॉपरली काम नहीं किया या उसके ऑफिसर्स पे विश्वास नहीं किया जा सकता इसलिए सीबीआई को दे दो जी। सीबीआई बनी इसलिए थी कि अगर इंटर स्टेट कोई ऑफेंसेस होते हैं
तो कोई सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जी। ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि सीबीआई कब तक अपनी जांच को किसी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाती है, या फिर इस केस का हश्र भी आरुषि केस जैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।